नीरज दायमा कक्षा 12वीं के लिए हिंदी में वितान का पहला पाठ सिल्वर वेडिंग पढ़ाने जा रही हूँ। सिल्वर वेडिंग क्या होता है? शादी की 25वीं सालगिरह का जो उत्सव मनाते हैं लोग, तो उसे हम सिल्वर वेडिंग कहते हैं। 25वीं सालगिरह, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम है यशोधर बाबू। वो अपने विवाह की, उनके बच्चे उनके विवाह की 25वीं सालगिरह मनाते हैं, तो उस समय पर वो ये याद करते हैं कि पिछले समय में उनके साथ क्या व्यतीत हुआ, क्या घटित हुआ। जो बच्चे हैं, एक तो इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और ये तथ्य आप अपनी पुस्तक से, आप अपने पाठ से दोहराएंगे और इन्हीं तथ्यों पर बार बार आप काम करेंगे। इनसे जुड़े जो भी वाक्य हैं, जो भी कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं को यदि आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, कहानी तो आपको याद हो जाएगी कि यशोधर बाबू हैं, उनकी पत्नी है, तीन बेटे हैं, एक बेटी है। तीन बेटों में सबसे बड़ा बेटा जो है वो विदेश, वो एक विज्ञापन कंपनी में मैनेजर पर के पद पर कार्यरत है। दूसरा बेटा जो कि आईएएस की तैयारी कर रहा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा विदेश जा चुका है पढ़ने के लिए और जो बेटी है वो भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रही है और वो भी बीच बीच में कभी विदेश जाने की बात करती है। और जो यशोधर बाबू हैं, उनकी पत्नी, वो पहले क्योंकि ये इतने साल पुराने इनकी शादी हो चुकी है तो वो पुराने विचारों की महिला थी, लेकिन आज अपने बच्चों के साथ में मिलकर वो अपने पुराने विचारों को छोड़कर और समय के साथ तालमेल करते हुए अपने आप को आगे के समय में बढ़ा देती हैं। आज वो मॉडर्न हो गई हैं। ये पूरी कहानी इन्हीं बातों के चारों तरफ घूमती है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात हम जो तथ्य यहाँ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में कि यशोधर बाबू के विचार पुराने हैं और आज की जो युवा पीढ़ी है, जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, वो उसमें सहानुभूति के पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी के अनुसार वो सहानुभूति के पात्र नहीं है। उन्हें अपने समय से आगे निकलकर आज के युवा वर्ग के साथ में तालमेल बनाना चाहिए था, लेकिन जो यशोधर बाबू हैं, वो अगला जो पॉइंट है हमारा, वो यशोधर बाबू जो हैं, वो नए की तरफ आकर्षित तो होते हैं। उनका बेटा घर में फ्रिज लाया, घर में गैस लेकर आया, वो उससे प्रभावित हैं, खुश हैं, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि वो पुराने को नहीं छोड़ना चाहते, वो अपने जो पुराने विचार हैं, उनको त्याग करना नहीं चाहते। आज के युग में यह सत्य भी है कि हमें नए की तरफ आकर्षित तो होना चाहिए, लेकिन जो पुराने तथ्य हैं, उनको तथ्यों के आधारित मानना चाहिए। अगर वो बातें सही हैं, तो हमें उनको अपनाना चाहिए और यदि वो समय के अनुसार हमें समय से पीछे धकेल देती हैं, तो हमें उससे आगे निकलने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी में लेखक ने हमें यही बताना चाहा है कि यशोधर बाबू के द्वारा वो ये बताना चाहते हैं कि हमें नए की तरफ आकर्षित तो होना चाहिए, परंतु अपने सभी पुराने मूल्यों को त्याग नहीं करना चाहिए। अगला तथ्य है, उनमें और उनके बच्चों में पीढ़ी का अंतराल है, दो पीढ़ियों का अंतराल है। जो यशोधर बाबू है उनके विचार और उनके बच्चों के विचार, उन दोनों में तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है, एक रूपता नहीं है, तो वो आपस में एक दूसरे के विचारों से मिलते जुलते नहीं है। इसके बाद अगला जो चौथा पॉइंट है, चौथी बात है इस पाठ के आधार पर। वैसे तो हर आदमी का अपना अलग नजरिया होता है, कोई व्यक्ति इस पाठ में कुछ और भी तथ्य निकाल पाएगा और मैं खुद और भी तथ्य निकाल पाऊंगी, लेकिन अभी इस समय मुझे जो महत्वपूर्ण लगा उन तथ्यों को मैंने यहाँ पर रखा है और मैं चाहती हूँ कि आप इनको अक्षरशः याद करें। मतलब बिल्कुल ऐसे के ऐसे आपको याद होने चाहिए कि यशोधर बाबू नए की तरफ आकर्षित होते हैं, परंतु वो पुराने को छोड़ना नहीं चाहते। उनमें और उनके बच्चों में एक पीढ़ी का अंतराल है।
अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आज मानवीय मूल्य हाशिए पर है। मानवीय मूल्य किस प्रकार से यहाँ बताए गए हैं कि यशोधर बापू जो हैं वो अपने रिश्तेदारों, अपनी बहन जीजा, उनसे संबंधित जो भी कुछ बातें हैं उनसे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे और उनकी पत्नी वो ये सोचते हैं कि यदि उनसे संबंध रखा जाएगा तो हमें उनकी आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी। दूसरी बात, उनका बेटा, बड़ा बेटा जो कि 1500 रुपए हर महीने पगार लेता है, वो भी यही बात कहता है कि यदि आप फूफा का के बारे में पूछेंगे या उनके पास जाएंगे तो मैं आपकी आर्थिक रूप से कोई सहायता नहीं करूंगा। एक बच्चे का पिता के साथ में इस प्रकार का व्यवहार हमें ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि आज मानवीय मूल्य हाशिए पर हैं। हाशिया मीन्स किनारे, कि हम मानवीयता को भूलकर केवल अपने बारे में ही विचार करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है नेक्स्ट, इसमें युवा वर्ग पर पाश्चात्य का प्रभाव है। हमें जरूरी नहीं है कि सभी पाश्चात्य जो संस्कृति है वो गलत ही हो, लेकिन हमें दूसरे को अपनाने के साथ में अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी के द्वारा लेखक ने यही दर्शाना चाहा है कि हमें, हम पाश्चात्य को तो अपनाएं, युवा वर्ग पर पाश्चात्य का प्रभाव है, परंतु उसको आप पूरी तरीके से रंग में उसके नहीं रंगना चाहिए। उस पर हम अंधा विश्वास ना करें, उसको हम सही ढंग से तथ्यों पर परखें, किसी भी बात को परख कर फिर उसके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन यहाँ बताया गया है कि युवा वर्ग पूरी तरह से अंधानुकरण करके पाश्चात्य पर आधारित है। और अंतिम और मुख्यतः जो बिंदु है इस पाठ का वो क्या है कि यशोधर जी कर्मठ, संवेदनशील, परंपरा को मानने वाले संस्कारी हैं। कर्मठ कैसे हैं? वो अपने ऑफिस में सही समय से जाते हैं, सही समय से वहां से बाहर निकलते हैं। संवेदनशील हैं, वो हर व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उनका ध्यान रखते हैं। किशनदा का, अपने जो कलीग हैं, अपने जो मातहत हैं, उनकी बातों का ध्यान रखते हैं। वो परंपराओं को मानने वाले हैं और संस्कारी व्यक्ति हैं। आप सभी इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें। इसके अलावा जितनी बार आप पाठ को पढ़ेंगे उतनी बार आपको नए तथ्यों के बारे में पता चलेगा और ये सभी बातें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।